आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूँ सरताज। चलिए खबर की ओर। भूख जब लगती है इंसान को, उसका एहसास आप हम सभी जानते हैं किस प्रकार होता है। उसी भूख को देखते हुए सड़कों पे उतरे कांग्रेस नेता और पुराना बाजार चैम्बर के पदाधिकारी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन का आदेश दे दिया है, जिसके कारण रोजमर्रा जिंदगी पे काफी असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एक बूढ़े शख्स को भूख के मारे किस तरह छटपटा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेता वहां पहुंचे, उस शख्स को खाना दिए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, देखिए कांग्रेस नेता ने क्या कहा। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार पूरे वैश्विक रूप से कोरोना का महामारी पूरे विश्व में जिस प्रकार अपना प्रकोप जारी है, भारत भी इससे छूटा नहीं है। आज भारत में और सही झारखंड में भी जिस प्रकार कोरोना का, ये हम लोग सौभाग्य है कि झारखंड में अभी तक कोई वैसा पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन जो सतर्कता सरकार का आदेश अनुसार जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में तो लोगों के लिए सभी उपाय हो रहे हैं, बहुत सारे उपाय हो रहे हैं, लोग घर में अपना संसाधन जुटा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि जिस प्रकार रोजमर्रा का काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, चाहे अपना मांग करके जीवन यापन करने वाले लोग, आज स्थिति यह है उनके पास कोरोना की बीमारी का क्या हाल होगा वो तो समय के गर्भ में है, लेकिन इस भूख की मौत ये लोग मरने के कगार पे हैं। तो हम लोगों ने, जैसे आप देख लीजिए, हमारे चैम्बर के अध्यक्ष जी हैं, सोहराब जी हैं, सारे समाज सेवी लोग, हम लोग मिल करके आज एक हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है कि ताकि अगर इस महामारी में एक आदमी के भी अगर हम लोगों के इस पहल से अगर जान बचा पाते हैं तो अपने आप को धन्य मानेंगे कि कम से कम मानव सेवा हम लोगों ने करके एक लोगों का जान बचाया है। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज प्रयास शुरू किया है। आज पहला दिन है हम लोग का, और हम लोग का प्रयास है कि सारे लोगों को साथ लेकर के जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारी पूरी टीम, हम लोग रोज कम से कम वैसे भूखों को भोजन उपलब्ध कराने का कम से कम प्रयास हम लोग का है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग प्रयास करके सफल होंगे। सभी का साथ, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, पूरे मोहल्ले से लोगों का साथ मिल रहा है, खास करके हमारे युवा साथी हैं।